रिक्शे में नहीं बैठे चेयर लिफ्ट में। भाई स्टार्ट होने लगा है काम। दिस इज कैपिटल सिटी ऑफ इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, अब यहाँ पे करने लगे हैं नाश्ता। देख रहे हो हमें यही एक होटल मिला है, कोई ऐसे ढूंढने के चक्कर में नहीं पड़े हम, यही मिला है यहीं से नाश्ता करके, क्योंकि अभी बहुत दूर जाना है आगे, तकरीबन 4 से 5 घंटे का सफ़र अभी बाकी है। जल्दी जल्दी नाश्ता करो यार, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी करो। जनाब कैशियर साहब नवे नोट ने बड़े प्यारे प्यारे व्यूज शुरू हो गए यहाँ पे, मजा आ रहा है। ये ज़िगज़ैग है जो हमने अभी आगे जाना है, पूरा करना है, इसी तरह ही घूम रहे हैं कब से। मुजफ्फराबाद की तरफ जा रहे हैं और अभी रास्ते में मुजफ्फराबाद का सफर तकरीबन रहता है, घंटे का सफ़र तो है अभी, ऑलमोस्ट 1-2 घंटे का सफ़र। अभी यहाँ पे ना थोड़ी देर रेस्ट किया, कहते घूम घूम के ना ज़िगज़ैग सड़कें घूम घूम के हमारा दिमाग ख़राब हो रहा है, तो वो कहते हैं रेस्ट करो थोड़ी देर। यहाँ से व्यूज़ चेक करें भाई साहब, अरे वाह क्या बात है, ऊपर से रेड रेड कलर के ना बड़े प्यारे लग रहे हैं। मुझे डर लग रहा है मेरे हाथ से मोबाइल ना गिर जाए। इस्लामाबाद से हम निकल पड़े हैं और हमने जाना है नीलम, अपर नीलम। बहुत ही लंबा सफ़र है, कम से कम हमें 6 से 7 घंटे लगेंगे और हो सकता है कि शाम भी हो सकती है, क्योंकि रास्ते में कहीं से स्टे भी तो करना पड़ेगा ना, कुछ खाएं पिएंगे तो सफ़र करेंगे भाई। कोहाला पहुंच गए हम और कोहाला का ब्रिज जैसे क्रॉस करते हैं ना, उसके साथ ही जो है ना ये दरिया स्टार्ट हो जाता है। बहुत ही गहरा और ख़तरनाक पानी है इसका भाई, देखने में चेक करें। मैंने अभी अभी पूछा इस दरिया का नाम, इसका नाम है नीलम और जेहलम, पुलिस वाले से पूछ के भैया। ये है कश्मीर आबशार, लेकिन उसके जाने के लिए वो चेयर लिफ्ट से जाना पड़ेगा या फिर वो बोट से, और इनका दिल किसी पे भी नहीं है। नहीं नहीं भाई जान, नहीं हमारा दिल है, जाएंगे यार वो सामने चेयर लिफ्ट जाएंगे। ये सोच रिक्शे में नहीं बैठे चेयर लिफ्ट। साजी ओवरलोड ना करी, बस दो बंदे बैठे भाई, पहुंचने वाले हैं और ये पहुंच गए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनली वी रीच। और ये पीछे वो रह गए नौमी वगैरह, बाकी पीछे जो है ना वो 4 रह गए हैं, नौमी और एक मुन्ना है और एक दो लड़के और सैफी है। यहाँ पे चाय शाय का कुछ सीन करते हैं, अल्लाह करे जो भी बन गया। चाय पीने से पहले जो है ना वो आबशार देख लेते हैं भाई। हे ब्रो हाउ डू यू फील, इधर देख के बताओ ना कैसा फील हो रहा है। मेरे को लगा भाई नीचे से कोई लगा यार, इधर देख के बताओ भाई कैसा लगा है, कैसा भाई मैं आप चाय एंजॉय कर रहा हूं। ए भाई तो तू ला रहा है नीचे। ओ भाई साहब अब जो है ना वो इसके फील हो रहा है हल्का हल्का सा, बहुत ही ठंडा पानी, मजा आ रहा है, सुकून। और ये यहाँ से इसका व्यू है, बड़ा ही कमाल है। ये नौमी जट साहब आ गए हैं, पहुँच गए हैं भाई, फोटो सेशन करने लगे हैं सारे मिलके यहाँ पे। मेरा भी करो, पहले मेरा भी करो भाई, बड़ा भाई क्या बात है, ये वली साहब की उमर साहब और ये फोटोग्राफर तहसीन, क्या बोल रहे तहसीन भाई आपका। ये भाई इधर बैठे माहौल एंजॉय कर रहे हैं, वाह जी वाह मजा आ रहा है, जट ने तो नहा भी लिया है, ठंडा पानी था यार। ये चेक करो माहौल,
जबरदस्त माहौल है यहाँ पे, पकौड़े वगैरह मिलते हैं, चाय। गंदे पानी में मैम नहा रही है, बस मैं बेचने वाला बन गया हूँ जिस तरह मैं मैन्यू बता रहा हूँ आपको। इस तरह का माहौल हो और भाई इस तरह का सामान हो, मज़ा आ जाता है ज़िंदगी का। आए हाय 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 चाय, जिंदगी जिंदगी। रेस्क्यू वाले हम तैयार हो गए हैं और जाने लगे हैं बोट पे, बहुत ही मज़ा आने वाला है भाई, दुआ करना। बहुत ही मज़ा आने वाला है और साथ फट भी रही है। आगे वाली कितने बंदे हैं? चार हैं। अच्छा यार, रब रखा। कैसा लग रहा है भाई साहब? अरे भाई साहब बड्डू एंजॉय हो रहा है। अभी नसीर इनकी बारी है। नौमी, उमर, फरी भाई, गुड लक, गुड लक। चलो भाई पैसे दीती जा, टूर दे पैसे दीती जा। इनके इनके हालात चेक करे। जान निकल गई उसने, जान बूझ के इतने बह तू। बहुत इंजॉय कर लिया भाई कश्मीर आबशार पे, अब वापसी का सफर क्योंकि आगे बहुत दूर जाना है। कितनी देर है दिन घुमाना? होया तू ना कमाई भाई। मुजफ्फराबाद पहुंच गए हम और ये बहुत ही बड़ा शहर है यहाँ पे, और इसके दरमियान में से जो है ना वो दरिया गुजर रहा है, वही ग्रैनील और दरिया झेलम दोनों भी मैं दिखाता हूँ। रात 12 बजे के हम निकले हुए हैं और अब तकरीबन शाम के 4 बज गए हैं और अभी तक हमारे ये हालात हैं, नहाए भी नहीं है एक बार भी, बस ऐसे ही जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं। अपर वैली, नीलम वैली पहुंचना है, वहां पे जाके ही हमने स्टे करना है एक ही बार। लेकिन यहां पे अब खूबसूरती बहुत ज़्यादा शुरू हो गई क्योंकि हम नीलम वैली में जो इंटर हो गए हैं। ये नीलम के रास्ते में जाते हुए रोड के इस तरफ पाकिस्तान और दरिया के साइड पे, और दरिया के साइड पे जो है ना वो इंडिया। क्या मंजर है ये चेक करें, ये जो है ना ये इंडिया का है सारा इलाका, और ये इंडिया का झंडा भी लगा हुआ है। सिर्फ इंडिया है, सिर्फ पाकिस्तान है, ऐसा ही है बिल्कुल। बीच में दरिया है, सिर्फ दरिया के उस पार इंडिया और इस पार पाकिस्तान। ये दिक्कत लगा रहे हैं, गाड़ी रुक गई थी। अपर नीलम की तरफ हम जा रहे हैं, बहुत चढ़ाई है ऊपर और गाड़ियों की बस हो गई है, ये चेक करें। और ऊपर इतने गंदे गंदे मोड़ हैं कि गाड़ी रुक जाती है यार। ये तो अभी बहुत ज्यादा पड़ा ऊपर, और अभी ये ऊपर चढ़ाई है, गाड़ियों के जोर लग रहे थे हम नीचे उतर गए, तो भाई गाड़ियाँ चली जाए, लेकिन लगता है हम नहीं
अब हम नहीं जा पाएंगे, हमें स्ट्रेचर पे जाना पड़ेगा और एम्बुलेंस आएगी। ये देखें पहुंच आए हम, ये सारे पैदल आ रहे हैं। यहाँ के सीन चेक करें और हल्की हल्की बारिश भी यहाँ पे स्टार्ट हो। ये चेक करो व्यू यहाँ से, लेकिन इस व्यू के लिए बस हो गई हमारी भाई। ये जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे व्यू जो है ना वो मज़े का होता जा रहा है। ये मुझे लगता है बादल और बारिश हो रही है। ये फाइनली हम जो है ना वो अपर वैली, अपर नीलम सॉरी, पहुंच गए हैं और बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं। ये तो गाड़ी में बैठ के आ गए हैं जनाब दोनों और हमें पिक करने भी नहीं आए पीछे से, बहुत ऊपर आना पड़ा है भाई, बस हो जाती है। तीन चार बार रुके हैं फिर आए हैं ऊपर और अब यहाँ पे रूम वगैरह पता करते हैं। यहाँ हम लेट पहुँचे हैं तो अब अंधेरा हो चुका है, तो अब सुबह ही हम जो है ना वो यहाँ के आपको सीन दिखाएंगे कि क्या माहौल है भाई यहाँ पे। मिलते हैं सुबह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।